हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? चलिए आज हम क्रंची पोटैटो पैनकेक्स बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें ग्रेटेड पोटैटोज़ चाहिए होंगे, जो मैंने करके रखे हुए हैं। ग्रेटेड पोटैटोज़ 4 to 5 पोटैटोज़, और इसको अच्छे से धो लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। और क्या चाहिए? चॉप्ड ओनियन 2 to 3, और कॉर्नफ्लावर 4 to 5 स्पून, और रेड चिली 1 स्पून, और टर्मरिक हाफ स्पून, और वाटर थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स, और ब्लैक पेपर हाफ चम्मच या आपके स्वाद अनुसार, नमक, सॉल्ट हाफ चम्मच, और कलौंजी ये 1/4 स्पून। और क्या चाहिए होगा? ग्रेटेड चीज़ जो मैंने करके रखे इस तरह से, और ग्रेटेड जिंजर, और चॉप्ड चिलीज, ग्रीन चिलीज, और 2 to 3 एग्स। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 एग्स इसमें तोड़ दिए हैं, ये 3 एग्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें एक एक करके ओनियन, चॉप्ड ओनियन, और फिर नमक, चिली 1 स्पून, टर्मरिक 1 स्पून, और ब्लैक पेपर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, फिर कलौंजी ये हाफ स्पून, और चिली फ्लेक्स, और इसमें ग्रेटेड जिंजर, और चॉप्ड चिलीज, ग्रीन चिलीज आपके टेस्ट के हिसाब से, और ग्रेटेड चीज। अब इसमें 5 to 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जो नॉर्मल कॉर्नफ्लोर आता है वो मैंने ऐसे डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं दूसरा जो कॉर्नफ्लोर आता है जिससे क्रंची बनाई जाती है कोई भी स्नैक, वो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है। अब इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है। अब इस तरह के शेप में, जैसे आपको जैसे इच्छा, मैं इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में मैंने करा है, तो आपकी जैसे इच्छा होगी उस तरह शेप में आप कर सकते हो। तो इस तरह शेप में मैंने कढ़ाई में शैलो फ्राई के लिए डाला हुआ है। अब इसको 5 to 6 मिनट्स शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा क्रंची पोटैटो पैनकेक्स बनके तैयार है। बहुत यम्मी होता है खाने में, इवन कि बहुत लोग बता भी नहीं पाते कि किस चीज़ की बनी हुई है। तो दोस्तों ज़रूर आप ट्राई कीजिए मस्टर्ड सॉस और टमाटो सॉस के साथ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स मेरे इस रेसिपी को देखने के लिए। फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी